लगा के काम करते हैं और जब एक सक्सेस की कगार पर पहुंच जाते हैं और हमारे जैसे जब नेक्स्ट जनरेशन आती है और वो चाहती है कि कुछ करना, तो ऐसे लोगों को देख के डेफिनेटली जो है इंस्पिरेशन सामने आता है। जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। SM हाईटेक डेवलपर्स, ये नाम आपको अभी भी याद होगा बिकॉज पिछली बार जब एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, BNM रायगढ़ की तरफ से जो एग्जीबिशन हुआ था खांडेश्वर स्टेशन के सामने, उस एग्जीबिशन में 70 से भी ज्यादा बुकिंग जो है SM हाईटेक में की थी और उन्हीं का आज जो है तलोजा में प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। उस प्रोजेक्ट लॉन्च में जो है हमें इन्विटेशन था और हमारे साथ फिर से एक बार जो है इरफान भाई है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद हमें बुलाने के लिए और कांग्रेचुलेशन। थैंक यू गणेश भाई, आपका स्वागत है हमारे पे और सब्सक्राइबर को भी हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च पे, जो वर्चुअली मिल रहे और जो डायरेक्ट भी आए उन सभी का हमारे पास स्वागत है। नहीं डेफिनेटली वर्चुअली तो अभी मिल रहे पर फिजिकली सामने सामने आके डेफिनेटली मिलेंगे बिकॉज इतनी रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग जो आपने पिछली बार एग्जीबिशन में की थी वो जबरदस्त थी। इवन काफी सारे सब्सक्राइबर ने आपके लिए बेस्ट विशेष कमेंट में किए हैं और काफी लोगों के ऐसे कमेंट थे कि जाके थोड़ी प्रोजेक्ट की और डिटेल्स बताइए, लेकिन मुझे पता था बिकॉज इनविटेशन पहले से ही था कि ऑफिशियली जो है प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, तो मैं सोचा चलो लेट्स ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। दोस्तों जहां पर ये प्रोजेक्ट है और जहां पर अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च है मैं वहीं पर हूं और इरफान सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले लोग दर्शक हमारे जिस चीज के लिए वेट करते हैं आप पहले क्या प्रोजेक्ट एग्जैक्टली बनाने वाले हो हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है जिसमें अपना रोमन थीम हमने कल का कॉन्सेप्ट रोमन थीम कॉन्सेप्ट किया है और पहली बार ऐसा होगा कि नवंबर में हमने पहले बिल्डर्स होंगे जिन्होंने एक थीम बेस पे एक अफोर्डेबल रेंज में सारे लग्जरी अमेनिटीज के साथ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। जैसे आप देखोगे ये मेरा G+14 का टावर है जिसमें चार बिल्डिंग्स है, G+14 के चार टावर जो उसमें 1 और 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन से मेरे पास 1 और 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन से। और अमेनिटीज वाइज बात करेंगे तो आपके पास दो स्विमिंग पूल्स है, इसमें दो स्विमिंग पूल्स है, दो गार्डन है, दो जिम है और दो जो अपने गजीबोज है, सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया है, जॉगिंग ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक है, सब है। जैसे हर किसी में कॉमन होता है कि एक सब अमेनिटीज प्रोवाइड, एक अमेनिटीज ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें हम दो प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि जितना बड़ा टावर्स है उसकी वजह से ये अमेनिटीज ये होते हैं कंजेशन हो जाता है, तो हम नहीं चाहते वो ऐसा हो, इसलिए हमने इस बार अलग बेस पे कस्टमर डिमांड पे दो डिस्प्ले किए हुए हैं पूरे। कितने यूनिट्स का ये प्रोजेक्ट होने वाला है? ये आप हमारा जो प्रोजेक्ट है 450 यूनिट्स का प्रोजेक्ट है। 450 यूनिट्स का। अच्छा कमर्शियल्स का क्या, कुछ कमर्शियल्स भी है? कमर्शियल्स इसमें है जो 25 शॉप्स है हमारे पास है जिसमें भी ऑलमोस्ट हमारी बुकिंग जैसे आप देख रहे हो, जैसे हमारे एग्जीबिशन में आपके कस्टमर्स और बाकी ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है, आपने जैसे देखा आपने कवर किया और जैसे आज आपने लॉन्च में प्रेजेंट किया, जो हमारे पास यहाँ क्राउड और जो मार्केटिंग चल रही है तो हमारे ऑलमोस्ट सारे ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुके हैं। अभी अभी चेक करना पड़ेगा कि कुछ है या फिर वो भी सोल्ड आउट हो चुके हैं। सोल्ड आउट हो चुके हैं। अच्छा इसके अलावा देखिए जहाँ पर ये प्रोजेक्ट है तलोजा फेस टू में, आप हमारे दर्शकों को दो ऐसे पॉजिटिव पॉइंट बताइए जिसकी वजह से आपको लगता है कि लोगों ने अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है पूरे तलोजा में और हम कोई नए कंपनी या नए प्रोजेक्ट या ओनर्स नहीं है, हम लास्ट 30 ईयर से नवी मुंबई में सिर्फ वर्क कर रहे हैं। पहले हम AN के नाम से पिच करते थे, फिर अभी कैसे एक थीम बेस और कंपनी बेस हो गई है, हम SM हाईटेक के नाम से काम करते हैं जो और एक नोड में उलवा हो, खारगर हो, पुष्पक हो, पनवेल हो, तलोजा हो, तलोजा से हम लास्ट 12 ईयर्स है और आज तक हमारा कोई प्रोजेक्ट ना डिले हुआ है और ना कहीं कोई लिटिगेशन में इशू है। इनफैक्ट मैंने देखा है पहले ही डिले ऑन टाइम से पहले ही डिलीवरी दे देते हैं सारे पोजीशंस के। दोस्तों ऐसा है कि SM डेवलपर्स आप सर्च करोगे तो शायद से ज्यादा पुरानी आपको हिस्ट्री या रिकॉर्ड नहीं मिलेगा बिकॉज पहले ये ट्रेंड था कि लोग अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियों के नाम से प्रोजेक्ट बनाते थे, पर पिछले 10-12 साल से ऐसा है ना कि लोग एक ही नाम से प्रोजेक्ट करने लगे, पर ऐसा होता है काफी सारे चीजें होती है जो मल्टीपल जो है पार्टनर्स क्रिएट होते हैं फिर एक नया फर्म जो है क्रिएट करना पड़ता है। अभी भी इनके SM डेवलपर्स के जो ब्रांड है उसके भी अलग अलग सब ब्रांड है। एग्जैक्टली डॉटर कंपनीज है, AK हाईटेक के नाम से और फ्यूचर आइकॉन के नाम से हमारी डॉटर कंपनीज भी है जो अदर नोड्स पे काम करते हैं। करेक्ट, पर मेजरली जो सबका ये है वो SM हाईटेक डेवलपर ही है। चलो बढ़िया बढ़िया सर, अभी देखिए जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जी, आपकी क्या मंशा है इस प्रोजेक्ट को लेके कि कब तक आप ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या? हमारी मंशा है कि हम जल्द से जल्द कंप्लीट करें, एक अंदाजा टाइम फिगर आपको देंगे कि तो हम एक 30 मंथ्स का टारगेट अचीव करने की सोच रहे हैं कि विद इन 30 मंथ्स हम G+14 के चार टावर खड़ा करें। सर 30 महीने में आप चार टावर की बात कर रहे हो और 450 यूनिट। एग्जैक्टली हमारे पास उतनी टीम है, हमारी और कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उस क्वालिटी पे हम बरकरार रहेंगे, कोई इशू नहीं होगा उसमें, पर हमारे पास अपनी इनहाउस टीम है जो अलग अलग इसका कैपेबल है। बराबर ठीक है,
सर चलिए प्रोजेक्ट के बारे में, एसएम हाईटेक डेवलपर्स के बारे में काफी बात हो गई। अब जहाँ पर ये प्रोजेक्ट है तलोजा फेस टू में, आप एक या दो रीजन बताइए व्हाई तलोजा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए भाई, तलोजा आप तलोजा को वैसे मशहूर है वो, जैसे आप यहाँ पे क्राउड दे सकते हैं, जो हुजूम आया हुआ है, जो यहाँ पे 3 से 4 हज़ार पब्लिक आ रही है, तो भाई तलोजा तो नहीं। फिर भी आप भाई तलोजा में एक बात आता हूँ आपको कि एक डेवलपिंग सिटी है, जो यहाँ पे अप्रिसिएशन आना बहुत आएगा ही। और जैसे यहाँ पे मेट्रो है, जो ब्रिज बन रही है, जो तलोजा से खारगर जिसका काम चालू है अंडर कंस्ट्रक्शन में, जब वो प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, मेट्रो का तो ट्रप हो चुका है वो ट्रायल पे है, तो और 4-5 महीने में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगा, जो जंप मिलेगा मार्केट का वो यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप देखोगे उलवा हो गया, पुष्पा उलवा हो गया, अपना खारगर हो गया, पनवेल हो गया, ये वेल डेवलप हो चुके हैं, तो यहाँ के राइजेस जो अमाउंट है वो बहुत हाई हो चुका है, अप्रिशिएट हो चुका है यहाँ पे। और इस लग्जरियस बजट में वहाँ जाएंगे तो आपको वन सीयर के अबाउट हो जाएगा प्राइसिंग। वही आप तलोजा में जाएंगे जो वेल कनेक्टेड है और सिटी से इतने नज़दीक है, कोई फार फ्रॉम नहीं है, कोई जंगल में नहीं है, कुछ नहीं, सिटी से कनेक्टेड है, कारगर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है, वो भी पूरा शहर बसा हुआ है बराबर। तो इसी एक रीजन है जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलेगा और ये वेल कनेक्टेड फ्रॉम सिटी भी है, मतलब जरूरत की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, स्कूल कनेक्टिविटी, इवन कारगर पास ही में है, तो कैसा हाईवे आपको क्रॉस करना है कारगर पास ही में, और नेशनल हाईवे भी यहीं पे जो पास में आ जाता है, मतलब आपको पुणे उन्हें साइड कनेक्ट होना है तो इजिली हो जाएंगे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो इतनी सारी बातें तो आप बता दी, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइसिंग भी आप शेयर करो, मुझे पैकेज प्राइस एक्सपेक्टेड है, बिकॉज लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो जो पैकेज प्राइस अभी की चल रही है वो आप शेयर कर दीजिए। आप एक गेस कीजिए कि हमारे पास क्या प्राइसिंग होगा। ये बहुत मुश्किल सवाल डाल दिया आपने मुझे। नहीं, जैसे हमने आपका थीम देखिए पहले क्या है, मैं आपको रोक रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि प्रोजेक्ट में जरूर घूमता हूँ, इसके लिए आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो, ये चीज मैं समझ चुका हूँ, लेकिन ऐसा है कि प्राइस जो है ना प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, लोकेशन टू लोकेशन और एमिनिटीज पे, अब इसमें गफलत वाली मेरे लिए बात क्या है मैं आपको बताता हूँ कि सारी चीजें डबल दे रहे हैं, एग्जैक्ट स्विमिंग पूल डबल है, आपका गार्डन डबल है, तो मेरे लिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। जैसे हम पैकेज की बात करते हैं तो पैकेज में एमिनिटीज के भी चार्जेस होते हैं, अब डबल करोगे तो पैसे कैसे काउंट करो, मेरे लिए डबल चार्ज में फिक्र रही है। चलिए आपकी इस मसले को हम सॉल्व करते हैं। मेरा जो 1 BHK का है वो 33 लाख ऑनवर्ड से स्टार्ट होगा, और जो 2 BHK का है वो 43 ऑनवर्ड होगा, पर 1 BHK कितने से स्टार्ट हो रहा है? 33 लाख ऑनवर्ड से होगा पैकेज, पैकेज पूरा पैकेज, मेंबरशिप डेवलपमेंट कोई हिडन चार्जेस, सब हिडन चार्जेस। 33 लाख रुपए से 1 BHK होगा, अप्रोक्स कितना एरिया होगा कारपेट? आपको इसका मिलेगा 380 प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस 390 380 में रहेगा, ठीक है। और 2 BHK, 2 BHK जो इसका कारपेट जाता है वो 565 से लेके 590 तक जाता है, 565 से लेके 590 तक जाता है। और प्राइसिंग क्या आती है? 43 लाख ऑनवर्ड्स, 43 लाख रुपीस में आप 2 BHK दे रहे हो, लग्जरियस एमिनिटीज, वो भी डबल डबल, वो भी डबल रहेगा, ठीक है। चलो मुझे लगता है इतने सारे नंबर्स ऑफ बुकिंग करने के लिए ना ये एक रीजन तो हो ही सकता है, दूसरा आपका प्रीवियस जनरेशन और लेटेस्ट जनरेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो तो मैं पहले इसके ऊपर बहुत बार बात कर चुका हूँ, बिकॉज कमरुद्दीन सर है, शमशुद्दीन सर है, दोनों भाइयों ने जो है इस रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी इनकी, और इतना काम किया ना कि जितनी उम्र है उससे ज्यादा तो प्रोजेक्ट किए हैं। तो ऐसा है कि उनका एक्सपीरियंस और अभी की टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन है, उसके वजह से ऐसे नंबर्स अच्छे हो रहे हैं। सर एग्जीबिशन में मैंने सुना था 70 बुकिंग आपने किए, उस वक्त हम मिले भी थे। Exactly. अब इन्होंने क्या किया है, खुद का ही एग्जीबिशन कर लिया है। वो एग्जीबिशन नहीं है, लॉन्च है प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया है, पर मैं एग्जीबिशन इसके लिए बोल रहा हूँ कि पीछे का आप नजारा देखो, एग्जीबिशन के जैसा ही माहौल यहाँ पे बना हुआ है, बिकॉज बुकिंग के नंबर्स में सुन रहा था, लेकिन मैंने 50+ तक की बुकिंग तो मैंने सुनी थी, और उसके बाद शायद से भी 1 घंटा गुजर चुका था। बताइए कितने बुकिंग्स की अभी तक इस प्रोजेक्ट का? आप मानोगे नहीं, इस अभी तक का तलोजा का सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर जो स्पॉट बुकिंग में हमने उठाया 100+ लिया, 100+ पर वो ऑन गोइंग है, आज रात तक चलेगी बुकिंग सारे यहाँ पे। अच्छा आज रात, तो अभी तक हमारा 100+ हो चुका है बुकिंग यहाँ पे, 100+। तो मतलब जो पहले आपने प्रीवियस बुकिंग उठाई है और अभी की बुकिंग नहीं, उठा नहीं, रहे वो छोड़ के, नहीं नहीं मैं आपको वही पूछ रहा हूँ, अच्छा। प्रीवियस बुकिंग और अभी की बुकिंग के अगर मैं टोटल मारूं तो मोर देन 50% तो आप बेच चुके हो अभी तक, यू कैन से दैट हमने कर दिया, बिकॉज 100 अगर मैं अभी का कैलकुलेट करूं, इन बिटवीन ये 2-3 दिनों में इन्होंने अलग से बुकिंग ली होगी, और 70+ बुकिंग तो इन्होंने एग्जीबिशन में ले लिया था, तो ऐसा मैं कैलकुलेट करूं तो 200 के आसपास तो बुकिंग ऑलरेडी हो चुके हैं। यही हमारा काम है, और ये ब्रांडिंग मेन रीजन हमारा क्या है कि हम अपने अफोर्डेबल पे और लेस मार्जिन पे काम करते हैं, बाकी जैसा कोई हाईएस्ट मार्जिन पे नहीं। हम क्या चाहते हैं, हर किसी का एक आशियाना एक घर बने, जो आज के डेट में बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ करोड़ों का वैल्यू जाता है,
हमारी ये ख्वाहिश है कि हम 30 लाख एक अफोर्डेबल रेंज में सबको एक लग्जरियस और खुद का घर मिले और एक मकान मिले, उसे एक अपना आशियाना कहने के लिए मिले। हाँ, अदर वे में अगर मैं सोचूं ना तो 33 लाख रुपीज में लग्जरियस एमिनिटीज के साथ G+14 के टावर में ना 1 BHK मिलना और 43 लाख रुपीज में 2 BHK मिलना बहुत डिफिकल्ट है। चलो इसी के साथ मैं और एक चीज, शायद से इस चीज से थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है आपको, पर आपको मैनेज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ कुछ ऑफर जो है यहाँ पे आज रखी थी तो उसके चर्चे भी हो रहे हैं, वो क्या ऑफर थी आपको बताना? आज हमारा लॉन्च ऑफर है जो 1 BHK का ऑन द स्पॉट यहाँ पे बुक करेगा 50,000 रुपीज लेस हो जाएगा। 50,000 रुपीज स्पॉट बुकिंग, स्पॉट पर बुकिंग होगा तो आज ही प्रेस सेंड करेंगे तो आज उसका 50,000 लेस हो जाएगा और 2 BHK के लिए करेगा तो 1 लाख रुपीज ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑफर कब तक है? ये वैसे तो आज वो एक 1 डे का था, पर अगर आपके सब्सक्राइबर के लिए जो आपका नाम लेंगे या आपका उसमें मेंशन करेंगे तो उनको ये आगे और 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा। मुझे लगा था कि आप ये बोल के रुक जाओगे कि ये जो ऑफर है ये आज तक के लिए और मैं आगे जाके तकलीफ का बात करने वाला था। नहीं नहीं, बिकॉज जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स है जो मुंबई से इवन अब्रॉड से भी काफी लोग देखते हैं, उनको अगर कॉन्टेक्ट करना, नंबर तो खैर मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दे ही दूंगा, लेकिन उनके लिए भी ऑफर आपको देनी होगी। कब तक आप ये ऑफर देना चाहोगे? ये आज से 3 दिन तक रहेगा आपके लिए। आज से थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा 3 दिन। देखो ऐसा है, ये वीडियो जो है ना सेम डे अपडेट नहीं होगा, ये वीडियो जाएगा कल, तो लोगों को और 2-3 दिन, 1 वीक तक आपको 7 डेज के लिए ऑफर रन करने पड़ेगा। ठीक, मैं मानता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम मैक्सिमम 5 डेज के लिए करेंगे। चलो 5 डेज आपके सब्सक्राइबर के लिए ये ऑफर वैलिड रहेगी। ठीक है, मतलब इनको बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी कवरेज का वीडियो देख के कॉल किया, आपका नाम देना पड़ेगा या प्रॉपर्टी कवरेज? हाँ, प्रॉपर्टी कवरेज, मेरा नाम तो खैर काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को याद नहीं रहता है, पर प्रॉपर्टी कवरेज आएगा सभी लोगों को याद है। तो दोस्तों ऐसा स्क्रीन पे जो है मैं आपको डायरेक्ट इनका जो है नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, SM हाईटेक डेवलपर्स का। 1 बेड जो इनका 33 लाख रुपीज में बुक होता है, 43 लाख रुपीज में 2 BHK बुक होता है, G+14 का लग्जरियस एमिनिटीज का ये प्रोजेक्ट है। आपको बुकिंग करनी है तो उस नंबर पे कॉल करो, डिटेल चाहिए तो उस नंबर पे कॉल करो। हालांकि इनकी आज की जो ऑफर थी वो आज के डेट तक ही सीमित थी, लेकिन जो 50,000 रुपीज आपको डिस्काउंट मिलने वाला है जो स्पॉट बुकिंग था 1 BHK के लिए, वो भी आपको अगले 5 दिन तक मिलने वाली है। 2 BHK का जो 1 लाख रुपए स्पॉट बुकिंग था वो अगले आपको 5 दिन तक मिलने वाली है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।